मैनपुरी के एक खेत में टीले की खुदाई में 4000 साल पुराने हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आगरा और दिल्ली पुरातत्व विभाग की टीम यानी ASI ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। इन हथियारों में तीर, कमान, कटारी, छुरी है। इन हथियारों को ताम्रपाषाण युग का भी बताया जा रहा है। तो वहीं जांच में मिले प्रमाण से आर्कियोलॉजिस्ट भी काफ़ी रोमांचित है। आपको बता दें कि 9 जून को खेत के समतलीकरण में हथियार मिले थे, जिसे किसान अपने साथ लेकर चले गए थे। वहीं प्राचीन काल के ये हथियार थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में मिले थे। यहाँ के रहने वाले बहादुर सिंह और फौजी का खेत टीले पर है। वह टीले की खुदाई करवा कर उसका समतलीकरण करवा रहे थे। तो वहीं 9 जून को रात में मजदूर JCP की सहायता से टीले को समतल करने में जुटे थे। तभी अचानक खुदाई के दौरान एक बक्सा निकला, जिसमें प्राचीन काल के तीर, कमान, कटारी, छुरी से भरे हुए थे। हथियार मिलने के बाद रात में काम कर रहे मजदूर और किसान में छीना छपटी कर अपने अपने साथ ले गए। तो वहीं कुछ हथियार मौके पर छोड़कर वह भाग गए थे। 16 जून को SDM कुरावली ने इन्हें अपने कब्जे में लेकर थाने में जमा करवा लिया था। आपको बता दें कि फिर पुरातत्व विभाग को ये हथियार सौंपे गए थे। बाद में मुनादी करार बाकी के भी हथियारों को जमा करवाया गया। आपको बता दें कि ऐसे हथियार सबसे पहले सन 1982 में कानपुर के बिठूर के पास मिले थे। जैसे अवशेष यहाँ मिल रहे हैं वह गौरिक मृदभांड परंपरा के हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग यहाँ पर रह रहे होंगे जिन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग किया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।